हेलो फ्रेंड्स, कायना किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दलिया मीठी कभी हम बनाकर खाते हैं, कभी नमकीन बनाकर खाते हैं, और दलिया बनाकर खा के हम लोग कूप भी जाते हैं, बच्चे भी थोड़ा नानुकुर करने लगते हैं। तो मैंने सोचा आज बिल्कुल अलग तरह का नाश्ता बनाती हूँ, इसके लिए दलिया भूनने की भी जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये दलिया से मैं बनाने चल रही हूँ नाश्ता, तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने छोटी दलिया, छोटी कटोरी से एक कटोरी दलिया ली है। ये देखिए एकदम साफ है दलिया इसको, लेकिन फिर भी मैं दो तीन पानी धुलूंगी, और इसको मैं दो तीन पानी धुलने के बाद उसको मैं 2 घंटे के लिए भिगोने के लिए रख दूंगी। ये देखिए दलिया अच्छे से फूल चुकी है। और फ्रेंड्स, हम लोग दलिया खा खा के बोर हो जाते हैं, तो ये बिल्कुल अलग तरह से नाश्ता मैं बना रही हूँ। इसको आप देख सकते हैं अच्छे से फूल गई है, और अब मैं इसको जार में ट्रांसफर कर ले रही हूँ। ये दलिया देखिए, और इसमें मैं डाल रही हूँ नारियल बुरादा। अगर आपके पास ताजा है तो आप ताजा भी डाल सकते हो। ये मैं डाल रही हूँ 5-6 लहसुन, ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं खाते हैं तो मत डालिएगा। और ये इसमें ऐड कर रही हूँ दही। फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनकर रेडी होगा। और ये डाल रही हूँ 2 हरी मिर्च, अब सब ग्राइंड कर लूंगी। फ्रेंड्स फ्रेंड्स देखिए बहुत ही स्मूथ बैटर बनकर रेडी हो गया है। इसको मैं बाउल में ट्रांसफर कर ले रही हूँ, और इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 कटोरी रवा, क्योंकि मैंने 1 कटोरी दलिया लिया हुआ था। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1/2 चम्मच गरम मसाला, ये बारीक कटे हुए प्याज हैं, अगर आप नहीं खाते हैं तो प्याज मत डालिएगा। और अब सब मिक्स करके मैं 10 मिनट के लिए रख दूंगी ढककर। तड़का लगाने के लिए ये मैंने ऑयल गरम कर लिया है, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ राई, और ये डाल रही हूँ मीठी नीम की पत्ती। बैटर को देखिए बिल्कुल ऐसे ही रखना है, ना ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए ना पतला। और ये मैंने तड़का जो लगाया ये इसमें डाल दे रही हूँ, और इसमें ऐड कर रही हूँ इनो पाउडर। अगर आपके पास इनो पाउडर नहीं है तो आप मीठा मीठा सोडा भी आप यूज कर सकते हो। ये देखिए तवा मेरा गर्म हो चुका है, और मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज, और ये डाल रही हूँ इसके ऊपर बैटर। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी तो है ये नाश्ता। आज बच्चों को बनाकर खिलाऊंगी, बच्चे भी खुश हो जाएंगे और मैं भी खुश हो जाऊंगी कि परिवार को मेरे एक हेल्दी नाश्ता मैंने कराया। फ्रेंड्स, गैस की फ्लेम को मैं कर दूंगी सिम, और इसको मैं ढक दूंगी। ये देखिए आपको दिख रहा होगा कि नीचे से बहुत अच्छे से हो गया है, और अब मैं इस पर थोड़ा सा डाल दे रही हूँ ऑयल, और इसको दूंगी मैं पलट। ये देखिए आगे पीछे का बिल्कुल पक गया है, और अब मैं गैस की फ्लेम को कर दे रही हूँ बंद। मैं सारे इसी तरह मैं बना ले रही हूँ, सॉरी गैस की फ्लेम को मैं मीडियम ही रख रही हूँ, और सारे इसी तरह मैं बना ले रही हूँ। फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बनकर रेडी है, और आपको कैसा लग रहा है कमेंट्स कर जरूर बताइएगा, आप कहाँ से देख रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बनकर बिल्कुल रेडी है। और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर करना तो बनता ही है, और आप इंस्टाग्राम और FB पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मैं मिलती हूँ अगली डिश के साथ। थैंक यू सो मच।